कोरोना अस्पुद नोटिस केस, मुल्क से 2 करोड़ मास्क स्मगल करने का इल्जाम बेबुनियाद है। मुल्क में फेस मास्क की कोई कमी नहीं, वजारत सेहत ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी। नोटिस केस में वजारत सेहत ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्क में 2 करोड़ मास्क स्मगल करने का इल्जाम बेबुनियाद है। 35 लाख मास्क चीन की हुकूमत की दरखास्त पर एक्सपोर्ट किए गए। मुल्क में फेस मास्क की कमी नहीं। NIH में कोरोना वायरस के मरीजों और उनके रابطہ داروں के टेस्ट मुफ्त किए जा रहे हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि ड्रैप की सिफारिश पर प्रोटोटाइप वेंटिलेटर्स मकामी सतह पर बनाने की इजाज़त दे दी गई है। 100 लाइसेंस होल्डर्स को WHO के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 300 सैनिटाइजर्स बनाने की इजाज़त दी गई। अप्रैल के आखिर तक 20,000 टेस्ट करने के अहल हो जाएंगे। गुज़िश्ता 24 घंटों में 6,416 टेस्ट किए गए। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि PPAs की कीमत मुस्तहकम रखने के लिए पूरे मुल्क में 100 से ज्यादा छापे मारे गए। कोरोना वायरस की स्पेशल ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए खसूसी पैकेज तैयारी के मराहल में है।